इससे भाई इसके इसको पहनने का मतलब ये होता है कि हमारी जो नाक है ना वो हम सबको दिखाएंगे क्योंकि हम नक सड़े हैं। और कोरोना भाई साहब को बोलते आओ कोरोना आओ हमारी नाक में घुसो। कैसे आप सब? मुझे नहीं पहचाना? ओहो, मैं कीकू। अरे कीकू आंटी हूँ आपकी। हाँ पहचानोगे भी कैसे, इतने दिनों बाद जो मैं आई हूँ ना, बहुत दिनों बाद आई हूँ। हाँ आई थी मैं सुरस्वीट के चैनल पे, हाँ बहुत पहले। वो मैंने कुछ वीडियो बनाया था और आप लोग को बहुत अच्छा लगा था। मैं स्टार बन जाती इसके, पर क्या करूँ, मैं भी इतनी बिजी रहती हूँ ना, इतनी बिजी रहती हूँ। इधर बिजी, मेरी किटी पार्टी है, मेरा क्लब है, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। और अब तो सब कुछ बंद हो गया ना, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कोई वीडियो बना दूँ। वैसे ना आजकल ना वो ये कोरोना कोरोना फैल रहा है ना, इससे तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मतलब मैं तो बता नहीं सकती, मैं तो इस कोरोना की तो मैं ना बिल्कुल हड्डी पसनी एक कर दूं और उसको ना ऐसे घोल घोल के ना मैं तो चाइना भेज दूं बिल्कुल। इसे पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मेरा तो जीना ही हराम करती है, मैं बता नहीं सकती। अब पूरे दिन क्या करती हूँ, अपनी बेल्कनी में खड़ी हो जाती हूँ। और पता है बेल्कनी में खड़े होकर मैंने क्या किया, मैंने ना रिसर्च करी, रिसर्च बहुत बड़ी रिसर्च करी मैंने कि कैसे लोग मास्क पहनते हैं आजकल। हाँ आपको नहीं पता? ओहो आपको कैसे पता होगा, ये कीकू आंटी की रिसर्च है ना। मास्क पहनने की ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, और वो सारे तरीके ना मैंने देखे हैं। हाँ बताऊँ मैं आपको? जरूर जरूर बताती हूँ। बताने से पहले अरे मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। अरे मतलब मेरा नहीं है, सूट स्वीट का चैनल है ना, हाँ उसकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे इंस्टाग्राम है ना उस पर भी, हाँ सूट स्वीट के नाम से ही है, सारी चीज़ें ना अपने नाम से करती है और वीडियो जो है मुझसे बनवा लेती है कि अरे आंटी आ जाओ ना, सब मिस कर रहे हैं आपको, सब मिस कर रहे हैं, जल्दी आओ ना वीडियो में। और मैं भी क्या करूं, अब वो इतना बोलती है, इतना इंसिस्ट करती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं एक वीडियो बता ही देती हूँ। अब जो नॉलेज की बात है वो तो मैं ही बताऊंगी ना, इसको आता क्या है। हाँ तो नॉलेज देने आई हूँ मैं आपको कैसे मास्क पहनते हैं, चलो देखते हैं। देखो देखो सबसे पहला तरीका होता है मास्क पहनने का, नक सड़ा मास्क। हाँ जी इसे बोलते हैं नक सड़ा मास्क। इसमें क्या होता है, जो मास्क होता है उसको आपको ना उसकी जो आपकी नाक है ना उसको ऊपर रहना होता है, जिससे भाई इसके इसको पहनने का मतलब ये होता है कि हमारी जो नाक है ना वो हम सबको दिखाएंगे क्योंकि हम नक सड़े हैं। और कोरोना भाई साहब को बोलते हैं आओ कोरोना आओ हमारी नाक में घुसो। तो पहला ना इसे बहुत सारे लोग मेरे को दिखते हैं, ऐसे नक सड़े मास्क वाले ऐसे नाक हिला हिला के हिला हिला के कुत्ते की तरह नाक घुमाते रहते हैं कि भाई ये है हमारा पहला तरीका मास्क पहनने का, कौन सा, नक सड़ा मास्क। अब मास्क नंबर टू है हमारा मैचो मास्क। मैचो मास्क क्या है भाई, मास्क जो है वो कहीं पे भी हो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आंखों में चश्मा जरूर होना चाहिए। चश्मा यहाँ भी हो सकता है, चश्मा यहाँ भी हो सकता है, भाई स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मास्क का पता नहीं हमें मास्क कहाँ जा रहा है, सो ये हमारा है मैचो स्टाइल। गॉगल्स आंखों पे, दबंग 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 यो 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 यो। जी अब आते हैं हम बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका मास्क पहनने का, इसको बोलते हैं नेकलेस मास्क। मतलब जो मास्क जो है ना वो एक्चुअली होता है हमारी नाक के लिए, हमारी मुंह के लिए, लेकिन ये है कि ये मास्क जो है मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मास्क आपका नेकलेस है या मतलब आपने मास्क पहना है, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। मतलब अगर आपको गले में ही कुछ पहनना है तो आप माला डाल सकते हैं, नेकलेस डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब मास्क ही डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये कौन सा लॉजिक है, क्या सर्दियाँ पड़ गई हैं जिसमें आप अपनी गर्दन को खांसी जुकाम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
अगर आपके ये मतलब अगर आपको ये लगता है कि WHO ने ये वाले गाइडलाइंस दिए हैं कि मास्क जो है वो गर्दन पे पहनाना है, तो काइंडली करेक्ट, ये मास्क जो है ये यहाँ के लिए नहीं, आपकी नाक के लिए होता है। अब आते हैं हम चौथे तरीके पे। ये तरीका थोड़ा सा एडवांस तरीका है, यानी कि हमारा फैशन तरीका मास्क पहनने का। मतलब इसमें हम मास्क जो पहनेंगे वो हमारी ड्रेस से मैचिंग होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब मास्क हम पहने और फैशन की कमी नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए मास्क जो है वो अपने कपड़ों का मैचिंग बनाए। इसलिए अब जब भी आप टेलर के पास जाएं तो उसको बोले भाई थोड़ा सा कपड़ा बचाना है और हमारा मास्क बनाना है, ये है हमारा फैशन स्टाइल। तो ये जो आखिरी तरीका है ना, ये मतलब इतना बढ़िया तरीका है कि आप ये सोचते रह जाएंगे अरे ऐसा भी होता है। मतलब इस तरीके का नाम है बेफिक्री उड़े दिल बेफिक्री। हाँ जी, ये तरीका भी ऐसा है। इस तरीके में मास्क को हाथ में लेके घूमा जाता है, मुंह पर नहीं लगाया जाता। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे सड़क पे दिखाई देते हैं जिनके मुंह पे तो मास्क होता नहीं है, हाथ में होता है, इधर होता है या होता ही नहीं है। सो दे आर राइट बेफिक्री। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वो ज्यादा समझदार है या अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये इनको टच भी नहीं करेगा, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। ओहो, मैं तो रोज देखती हूँ और मैं सोचती हूँ हे भगवान, इनके तो थोड़ी सी तो अकल दे दो कि भैया ये जो मास्क नामक वस्तु है ना, इसको हमें ऐसे पहनना है, वी हैव टू वेयर इट लाइक दिस। तो हमें ना इसको ऐसे पहनना है, यानी कि हमारी नाक हमारा मुंह दोनों इससे ढका होना चाहिए, इसको कवर करना होता है। इससे हमें अपने आप को बचाना है कोरोना वायरस से। यहाँ पे ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए पहनना है। बस यही मैं बताना चाहती थी अपने इस वीडियो में। तो अभी यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है ना, मैं तो अंदर ही बैठी हूँ। ओह, बहुत गर्मी तो लगती है, मैं मानती हूँ इस मास्क में उफ बहुत ही गर्मी लग गई, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो आप सबसे मैं विनती करना चाहती हूँ, प्लीज़ मास्क पहने, जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर पहने। और ओहो क्या है ना, अब मैं वीडियो बनाने लगी, इतना सारा काम है ना, ओहो मेरे पास तो इतना सारा काम है, वो ना मैं बहुत बिजी हूँ ना, बहुत बिजी, ओ इतने सारे लोगों का फोन आ गया मेरे पास, ओहो तो मुझे ना जाना पड़ेगा। और ना जाने से पहले ना जरा ना वो वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता तो चले ना कि मास्क नामक वस्तु जो है ना, इसको ना गले पे और नाक पे नहीं टांगते, इसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी होता है। तो और ना ऐसे ही ना बहुत प्यार देते हो आप, बहुत प्यार, ऐसी प्यार देते रहना और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चिल्ड आउट रहो और बिल्कुल मस्त रहो। और टेक केयर एंड अच्छे से अपने राजी खुशी रहो, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, ओके टाटा, बाय 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 बाय।